नमस्कार, यूपी तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्रा। आइए जानते हैं कैसा होगा आज आपका दिन। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए ये समय अनुकूल है। यदि आप कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, तो आज के दिन ले सकते हैं, काम बनेंगे। मेष राशि वाले अपने किसी काम को लेकर दूसरों पर डिपेंड ना रहें, कोशिश करें कि वो काम आप अपनी ही निगरानी पर पूरा कराएं तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरों के भरोसे काम छोड़ने से हो सकता है कि आपका काम समय पर पूरा ना हो या आपको नुकसान हो जाए। बात करते हैं वृष राशि वालों की। वृष राशि वालों के लिए सितारे ये संकेत दे रहे हैं कि आपके लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं, पैसा आपके पास आएगा। ये समय ऐसा है कि हर एक पल का आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, अपने ज्ञान को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। अगर टेक्निकल नॉलेज अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो वो बढ़ा लीजिए। यदि आप टेक्नोलॉजी की फील्ड से जुड़े हुए हैं, जिस भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उस क्षेत्र में अपने आप को अपडेट करें वृष राशि वाले, तो बहुत ज़्यादा लाभ इस समय कमा सकते हैं। बारी आ गई अब मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वाले यदि अपने तरक्की चाहते हैं तो अपना फोकस अपने काम पर बनाए रखें, अपने मन को इधर उधर बहकने ना दें। ऐसा ना हो कि आपका कीमती समय निकल जाए, तो इसलिए पूरे मन से अपने काम में लगे रहिए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। बारी आ गई अब कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए सितारे ये संकेत दे रहे हैं कि ये समय भावनाओं पर बह करके फैसले लेने का नहीं है। ये समय यथार्थ की धरातल पर आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, उन चीज़ों का ध्यान में रख करके फैसले करने की ज़रूरत है। यानी प्रैक्टिकल होकर के काम करने का वक्त है। तो इस समय आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपके घर की क्या आवश्यकताएं हैं, उनको ध्यान में रख करके फैसला करें, उनको ध्यान में रख करके काम करें, तो निश्चित रूप से आपके सपने पूरे होंगे। बारी आ गई अब सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए सितारे ये संकेत दे रहे हैं कि कब तक आप सोचते हुए बैठे रहेंगे, ये टाइम जो है आगे बढ़ने का है। यानी आपने जो प्लान बना रखा है उसको इम्प्लीमेंट करिए, शुरू तो करिए, निश्चित रूप से रास्ता मिलेगा और आपके काम भी धीरे धीरे बनने लगेंगे। सिंह राशि वालों के लिए एक सलाह ये है कि किसी को पार्टनर बना करके कोई भी काम शुरू ना करें। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसमें खुद ही मन लगा करके काम करें तो अच्छा रहेगा, दूसरों पर डिपेंड ना हो, खास करके पार्टनरशिप में कोई काम शुरू ना करें। सिंह राशि वाले जो लोग जॉब कर रहे हैं, अपने साथियों से, खास करके जो आपके कलीग हैं, उनके साथ मधुर संबंध बनाए रखने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बारी आ गई अब कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए सितारे ये संकेत दे रहे हैं कि आपके लिए आज का दिन बहुत अनुकूल है, इस दिन का अच्छे तरीके से उपयोग करें, लाभ होगा। कन्या राशि वाले जो लोग बिजनेस कर रहे हैं तो उनके लिए खास सलाह ये है कि उधार में बहुत ज़्यादा लेन देन ना करें। उधार में लेन देन करने से आपको नुकसान हो सकता है। कोशिश करें कि अपने पास फंड की अवेलेबिलिटी को बना करके रखें। यानी बहुत ज़्यादा क्रेडिट में सेल करना या परचेज करना आपके लिए समय ठीक नहीं है। बारी आ गई अब तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए सितारे ये संकेत दे रहे हैं कि आप जो आगे करना चाहते हैं उसके लिए अपनी प्लानिंग पहले से स्ट्रॉन्ग कर लें। यानी पहले से आप स्टेप बाय स्टेप डिसाइड कर लीजिए कि क्या करना है। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट अभी शुरू ना करें, छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेकर के काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग जॉब करते हैं तो आप अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए अपनी नॉलेज को और बढ़ा लीजिए, और करियर को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उसके बारे में पहले से तय कर लीजिए और कोशिश करिए। तुला राशि वालों के लिए समय बहुत अनुकूल है, तरक्की आपकी होगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वाले किसी भी काम में ईगो ना दिखाएं, आपकी ईगो आपके मान सम्मान पर असर डाल सकती है, इसलिए अपने मान सम्मान का ख्याल रखें। कोई भी ऐसी बात ना कहें जिससे सामने वाले लोग आपसे दूरी बनाना शुरू कर दें। बात करते हैं अब धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए सितारे ये संकेत दे रहे हैं कि धनु राशि वाले अपने ज्ञान का, अपनी नॉलेज का सही तरीके से इस्तेमाल करें। ये समय बिना मांगे किसी को सलाह देने का नहीं है। तो आपके पास यदि कोई आता है, सम्मान से आपसे सलाह मांगता है, तभी सलाह दें। बेवजह लोगों पर अपनी बात थोपने से बचें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। धनु राशि वाले अपने घर परिवार पर ध्यान दें, अपने परिवार वालों की अपेक्षाओं में खरे उतरने की इस समय कोशिश करें।
बारी आ गई है मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए सितारे ये संकेत दे रहे हैं कि समय आपके लिए अच्छा है, लेकिन अपने लाइफ पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार की अनबन ना होने दें। और हाँ, यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में तरक्की के योग बन रहे हैं, आपको बिजनेस में लाभ होगा, आप चाहें तो अपने व्यापार को और बढ़ा सकते हैं। बारी आ गई अब कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के लिए सितारे ये संकेत दे रहे हैं कि आपके लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। यदि प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, यदि कहीं इन्वेस्टमेंट का मन बना रहे हैं, तो उसके लिए भी समय अनुकूल है, आप फैसला कर सकते हैं। बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों के लिए सितारे ये संकेत दे रहे हैं कि आज आप जो भी काम करें, सोच समझ करके करें, अपने मुख से कोई ऐसी बात ना कहें जिससे बाद में आपको परेशानी हो। यानी क्रोध को कंट्रोल में रखें मीन राशि वाले। क्रोध में आकर के कोई भी बात करेंगे तो उससे आपको नुकसान ही होगा। यदि मीन राशि वाले जॉब करते हैं तो अपने सीनियर अधिकारियों से बातचीत करते समय जो है शांति बनाए रखें। तो यूपी तक में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात और बताएंगे आपका राशिफल। तो आप यूपी तक देखते रहिए। यदि आप कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और अपने सवाल लिख करके कमेंट में छोड़ दीजिए। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और अगली बार आपके सवालों के जवाब भी अवश्य देंगे।